Dear students, in this online session, we will read the lesson We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. It is written by Gordon Cook and Alanist. Children, it is kind of travelogue and in which Gordon Cook had tried to duplicate the world tour which was done 200 years back by James Cook. 200 साल पहले जो जेम्स कुक ने दुनिया की यात्रा की वोयाज के थ्रू सी वोयाज में मतलब समुद्री यात्रा के थ्रू उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया जो कि 200 साल पहले हुआ द सेम जर्नी गॉर्डन कुक ट्राइड टू डुप्लीकेट. तो ये जो ऑथर हैं इस चैप्टर के उनकी ट्रैवल डायरी है उनकी एक्सपीरियंस है. सो गॉर्डन कुक वॉज 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेस मैन. He took his wife Mary and two children, Suzanne, his daughter who was 7 years old, and his son Jonathan who was 6 years old, along in this journey. साथ में लेके जाते हैं अपनी वाइफ को मैरी को और अपने दो बच्चों को. 7 साल की उनकी डॉटर हैं सुजैन एंड 6 years का उनका सन है जोनाथन जो कि इस ट्रैवल में इस जर्नी में उनके साथ इस शिप पे जाते हैं. He was also accompanied by two crewmen. He hired, in fact, these crewmen were hired by name. We can say American Larry Wiesel. American थे Larry Wiesel जो कि उनके साथ इस यात्रा में उनके सहयात्री थे and Switzerland से थे Herb Segler. तो ये दोनों उनके साथ crewmen थे who helped him during this journey. Dear children, let's read and find out whether he could complete this arduous journey and dream project or not, and also the rare courage and skill he exhibited during this journey, and of course which was smeared by motivating and galvanizing gesture demonstrated by his two little kids. जो अदम्य साहस का परिचय दिया उनके दो बच्चों ने जो motivating उनका gesture था तो वो behavior था वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. Let us read the chapter, and during reading you will notice certain expressions which are given at the beginning of this chapter. Honing our seafaring skills, pinpricks in the vast ocean, ominous silence, a tousled head, and mayday calls. During reading of the chapter you can notice these phrases and expressions. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round of the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो ये author खुद ही लिख रहे हैं जो गॉर्डन कुक जो है उन्होंने ये लिखा है travel diary. तो वो बताते हैं कब उन्होंने यात्रा अपनी start की थी 1976 में. उनकी wife Mary, son Jonathan, Suzanne 7 जो कि 7 years old थी और इन्होंने start किया अपना sail journey जो start की voyage वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट की थी और इनका एक एफर्ट था कि डुप्लीकेट करें वर्ल्ड वोयाज जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. दुनिया का चक्कर लगाया था 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने. उसी को डुप्लीकेट करने का उसी को कॉपी करने का एक एफर्ट था. इन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो वर्ल्ड जर्नी उसी तरह से शिप के थ्रू करें. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन. तो बताते हैं कि काफ़ी समय से मैरी उनकी वाइफ और वो जो कि 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर. फॉर द पास्ट 16 इयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. तो कह रहे हैं कि ये इनकी जो जर्नी थी वो बिना प्रिपरेशन के नहीं थी. उन्होंने करीब करीब पिछले 16 सालों से वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे. होनिंग मीन्स परफेक्टिंग द मरीन और सी ट्रैवलिंग स्किल्स. मतलब वो अपने सी ट्रैवलिंग स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब वो यात्रा में जाएं तो किसी भी तरह की परेशानी उनको ना आए. क्योंकि आप जानते हो कि सी वोयाज समुद्री यात्रा जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा बाहर से एक्सटर्नल हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं होती है. तो इसलिए जो भी ऐसे आर्डुअस डिफ़िकल्ट जर्नी के लिए जाता है तो उसको प्रॉपरली स्किल्ड होना चाहिए, इतना एबल होना चाहिए कि डिफ़िकल्टीज़ को वो खुद फेस कर सके, चैलेंजेस को खुद फेस कर सके. तो उन्होंने अपने 16 सालों में जो भी उनको लेजर टाइम मिलता था, खाली समय, फ्री टाइम होता था, उसमें वो सी फेयरिंग स्किल्स होन करते हुए मतलब उसको परफेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की
समुद्री यात्रा से रिलेटेड स्किल्स थे उसको सीखते हुए वो बिताते थे। और वो कहाँ सीखते थे ये स्किल्स, वो कहाँ डेवलप कर रहे थे, ब्रिटिश वाटर्स में, मतलब ब्रिटेन के चारों तरफ जो पानी था, समुद्र था, उसमें वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। कितने सालों तक किया, 16 ईयर्स तक उन्होंने ये प्रैक्टिस करी। और तब उन्होंने ये अपनी जर्नी जो थी स्टार्ट की प्लायमाउथ से 1976 जुलाई में। आवर बोट वे वॉक 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी, जो बता रहे हैं कि इनकी जो बोट थी वो उसका नाम था वेव वॉकर, और वो 23 मीटर्स की थी, उसका वेट था 30 टन, और ऑफ कोर्स वुडन हल मींस बॉडी, उस बोट का जो बॉडी था वो लकड़ी का बना हुआ था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल शिप एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, मीन्स दे इट वॉज बिल्ड बाई प्रोफेशनल्स। इसमें कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी गई थी कि उनको किसी तरह की परेशानी आए इसके कंस्ट्रक्शन के कारण, तो बहुत ही एफिशिएंटली इसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इन लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से फिट किया था, बनाया था, टाइट करके रखा था इस बोट को, बहुत ही इसकी फिटिंग उन्होंने बहुत ध्यान रखा था कि इसके पार्ट्स बहुत टाइट लगे हों, और रफेस्ट वेदर जब भी उनको आसपास कहीं स्टॉर्म दिखता था, समुद्री तूफान दिखता था, तो ये उसको उतार के पानी में टेस्ट करते थे कि रफेस्ट वेदर में सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, कितना टिकाऊ है ये, वो देखने के लिए रफ वेदर में भी उसको उतार देते थे समुद्र में। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो ये केप टाउन तक की इनकी 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो 3 साल की प्रेजेंटली बहुत ही अच्छी इनकी बीतती है। यू कैन सी दिस वे दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस एरिया एंड दे वेंट डाउन दिस प्लेस, यहाँ तक वो आते हैं। तो यहाँ से प्लायमाउथ से निकल के वो इस एरिया तक आते हैं, एंड देन दे हैड टू गो थ्रू दिस वे एंड दिस इज इंडियन ओशन। Here you can see our India, यहाँ पे है, तो इंडियन ओशन के थ्रू उनको जर्नी करनी थी, यहाँ से वोयाज लेना था। तो they reached till this place. It was a pleasant journey. बहुत ही खुशनुमा जर्नी थी, कोई परेशानी उनको फेस नहीं करना पड़ा। There before heading east, अब ईस्ट की तरफ जाने से पहले वी टुक 2 crewmen, दो उन्होंने और नाविक सेलर्स दो अपने साथ लिए, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन। तो जो साउदर्न इंडियन ओशन है उसको हैंडल करना उनको लगा कि उसके लिए उनको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दो और हेल्पर्स भी अपने साथ ले लिए, जो कि अमेरिकन लैरी विजिल थे और स्विस हर्ब सेगलर थे स्विट्ज़रलैंड से। तो ये दो क्रूमैन नाविक उन्होंने अपने साथ ले लिए अपने वेब वॉकर पे। इन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से बाहर निकलते हैं, वे बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, अब उनको वहाँ से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स या स्टॉर्म आप कह सकते हो, तो तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और अगले कुछ सप्ताह तक लगातार वो स्ट्रॉन्ग गेल्स स्टॉर्म तूफानी हवाएँ चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो तूफान थी वो तूफानी हवाएं थी समुद्र की वो उनको चिंता में नहीं डाल रही थी, बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरें उसके कारण उठ रही थी, वो समुद्री हवाओं के कारण जो लहरें पानी में उठ रही थी वो बहुत थ्रेटनिंग थी, अलार्मिंग थी, भयानक थी। अप टू 15 meters, यू कैन इमेजिन 15 meter तक ऊँची उतनी लहरें उठ रही थी समुद्र में, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उनकी मेन मास्ट मतलब उनकी बोट का जो मेन मास्ट था वहाँ तक के लहरें आ रही थी। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर है विच यू कैन सी, यहाँ पे ये दिस इज़ द मास्ट। तो इतनी ऊंची लहरें उठ रही थी जो कि मेन मास्ट तक जा रही थी, उनके बोट की हाइट तक पूरी कवर कर रही थी।
December 25 found us 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. अब वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर्स आगे निकल चुके थे जब December 25th मीन्स क्रिसमस था. डिस्पाइट एट्रोसिस वेदर वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री. तो इस टेरिबल भयानक मौसम के बावजूद उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और क्रिसमस ट्री के साथ उन्होंने ये अपना सेलिब्रेशन कंप्लीट किया. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. नया साल जब 1 जनवरी आता है तो 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, लेकिन 1 जनवरी तक कोई भी मौसम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बदलाव देखने को नहीं मिला. बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. लेकिन उन लोगों ने अनुमान लगाया कि इसको जल्दी ही ये मौसम बदलेगा, इस तरह का मौसम नहीं रहेगा, कुछ बदल जाएगा, मौसम में चेंजेस होंगे. दे रीजन दे स्पेकुलेटेड एंड इट डिड चेंज. और ये ऐसा हुआ भी फॉर द वर्स्ट, और ज़्यादा ख़राब हो गया. जो उनका अंदाज़ा था कि मौसम ऐसा ही नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज होगा, तो वो हुआ तो चेंज, लेकिन वो और ज़्यादा बिगड़ गया. एट डॉन ऑन January 2nd द वेव्स वेयर जाइगेंटिक. January 2nd की जो सुबह आई उसमें लहरें और भी ज़्यादा ह्यूज इनॉर्मस लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी पानी में. वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप. A storm jib is triangular sail. You can see in this picture. ये आप देखो यहाँ पे जिप दिखाई दे रहा है. You can notice this zip. ये storm jib है. तो ये छोटी सी storm jib के साथ ही sail कर रहे थे. They were sailing with this small storm jib. And were still making 8 knots. और उनकी speed जो थी वो 8 nautical miles per hour थी. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो ये कहते हैं कि जैसे ही ऊपर आती थी लहरें उनके नीचे आती थी, क्योंकि शिप की भी स्पीड थी अच्छी खासी, और उसके कारण वो लहरों के तूफान के असर से जैसे शिप ऊपर जाती थी तो दूर दूर तक उन्हें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती थी, और बहुत ही तेज़ हवाएं जिसमें चीखने की तरह आवाज़ और स्प्रे पानी की बूंदें सारे उनके कानों को तकलीफ़ दे रही थी. एवरीथिंग वॉज वेरी पेनफुल. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप. अब बोट की स्पीड को कम करने के लिए वो स्टॉर्म जिप को गिरा देते हैं. एंड लैश द हैवी मूविंग रूप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. और वो स्टर्न के साथ, स्टर्न इज़ द रियर पार्ट, पीछे का हिस्सा आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ द स्टर्न, दिस इज़ द स्टर्न, ये बैक साइड ऑफ द बोट होता है. तो वो स्टर्न जो है ये उसको उन्होंने मोरिंग रोप मीन्स टाइंग रोप जो होता है, एंकरिंग रोप होता है, रस्सी जो होती है जिससे एंकर करते हैं, किनारे खड़ी करते हैं अपने बोट को या शिप को, तो उससे उनको उन्होंने तेज़ी से उसको बांध दिया, बहुत ज़ोर से उसको बांध दिया मोरिंग एंकरिंग रोप से, लूप करके स्टर्न के चारों तरफ, बोट के चारों तरफ घुमा के बांध दिया. देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग. सभी चीज़ों को दोबारा से दो दो बार करके बांधा. वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल. और लाइफ राफ्ट ड्रिल जो होता है, लाइफ सेविंग बोट होता है, हियर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये लाइफ राफ्ट है, छोटी बोट जो होती है, छोटी नौका होती है, वो अटैच लाइफ लाइन्स, और लाइफ लाइन्स जो होती हैं उनको अटैच कर लिया अपनी बॉडी में. लाइफ लाइन्स मीन्स विच इज़ अटैच टू वन पार्ट ऑफ दैट रोप इज़ अटैच टू द बोट, और दूसरा पार्ट होता है उसको अपने जैकेट के साथ लगा के रखते हैं. एंड समटाइम्स इट इज़ मेड ऑफ रबर रिंग्स. वो भी होता है, वो भी उन्होंने पहन लिया, वो सारी सेफ्टी ले ली अपने साथ. डंड ऑयल स्किन्स, और उन्होंने ऑयल स्किन वाटरप्रूफ जैकेट्स पहन लिए, लाइफ जैकेट जो लाइफ सेविंग जैकेट होती है जो रबर की बनी होती है, विंग्स जिसमें लगे होते हैं थ्रू विच दे कैन फ्लोट इन केस ऑफ इमरजेंसी, पानी की सरफेस पे वो फ्लोट कर सकते हैं. तो ये सारे प्रिपरेशन उन्होंने कर दी, अपने बोट के सारे कुछ को टाइट बांध दिया, जितनी रस्सियाँ थी उससे बोट को बांध दिया. बिकॉज वेदर वॉज एट्रोसियस, इट इज़ वेरी मीन्स इट वॉज गेटिंग वर्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट. हर एक क्षण के साथ और ज़्यादा मौसम ख़राब होता जा रहा था. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. So when they had started this, when this came 2nd January को ये इन्होंने start किया था, और 2nd January को 6 बजे उनको शाम को ऐसा समझ में आया कि अब आने वाला है, impending means about to come, forthcoming, जो तूफान आने वाला है, बहुत ही भयानक disastrous
बहुत ही थ्रेटनिंग जो था विनाशकारी तूफान आने वाला है, ये उनको इंडिकेशन हो चुका था, अंदाज़ा हो चुका था। तो मौसम को देख के उनको ऐसा लगा कि अब आने वाला है बहुत ही भयानक डिज़ास्टर, जिसमें उनको कुछ भी हो सकता है। इट कैन ब्रिंग एनीथिंग विद इट। विथ एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस मीन्स इनऑस्पिशियस या थ्रेटनिंग, चारों तरफ बहुत ही भयानक चुप्पी छाई हुई थी। 6 बजे शाम की बात है, अंधेरा हो चुका था और चारों तरफ हवा रुक जाती है, बहुत ही शांति फैल जाती है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट द शिप। इसके बाद एक ग्रोइंग रोर के साथ बहुत ही तेज आवाज़ आती है, गर्जना की आवाज़ आती है, और एक बहुत ही बड़ा इनॉर्मस मीन्स ह्यूज क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड टावर होता है, आ जाता है ऊपर आफ्ट ऑफ द शिप। आफ्ट ऑफ द शिप मीन्स शिप का पिछला हिस्सा। तो उसके शिप के पीछे एक बहुत ही बड़ा इनॉर्मस क्लाउड दिखाई देता है इनको बहुत तेज आवाज़ के साथ। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। और जब वो बहुत ही ज़्यादा डर से भर जाते हैं, जब उनको रियलाइज़ होता है कि एक क्लाउड नहीं है बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक बहुत ही बड़े पानी की लहर थी जिसको उन्होंने आज तक नहीं देखा था ऐसा दूसरा। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। तो ये सीधा बिल्कुल खड़ा वर्टिकल सरफेस पे, पानी के सरफेस पे सीधा खड़ा उनके बोट के पीछे, और करीब करीब दुगनी इसकी हाइट थी, अभी तक जितनी लहरें थी उससे दुगने हाइट की ये लहर थी। विथ अ फ्रेटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जिसका कि ऊपर का हिस्सा था, ऊपर का छोर था इस लहर का, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक, उसका क्रेस्ट मीन्स पीक समिट जो था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक, उसमें से आवाज़ निकल रही थी, वो गर्जना हो रही थी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, और वो एक बहुत ही बड़े थंडर में, बहुत ही भयानक आवाज़ में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और उनकी स्टर्न जो थी, बैक पोर्शन था, रियर एंड था जो शिप का पिछला हिस्सा, वो वेव की तरफ मुड़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और ऐसा लगा कि वो लहर उनकी बोट के नीचे आएगी, उनकी बोट उस लहर पे ऊपर चली जाएगी, लहर के ऊपर चली जाएगी, ऐसा इनको फील हुआ गॉर्डन कुक को। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसी समय एक बहुत भयानक विस्फोट होती है और पूरा डेक जो होता है उनका बोट होता है वो हिल जाता है। अ टॉरेंट, यू कैन इमेजिन 30 टन जो था वेट उसका बोट का, वो पूरा शेक हो जाता है। अ टॉरेंट टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक बहुत ही बड़ा क्लाउड बर्स्ट, एक बहुत ही बड़ा पानी की जो लहर थी वो फट जाती है और पूरे शिप में भर जाती है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, इतनी बड़ी लहर इतनी तेज़ी से पानी में आती है तो उसके झटके से इनका जो सर था वो व्हील में, बोट का जो व्हील था उसमें जाके लगता है, टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ये वहाँ से फ्लाई करके बोट के नीचे गिर जाते हैं पानी में, ओशन में चले जाते हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और इनको लगता है क्योंकि अब वो नीचे समुद्र में थे, अपनी बोट के बाहर गिर चुके थे, तो उनको लगता है कि नाउ ही इज़ अबाउट टू डाई, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था क्वाइटली कि अब उनको कोई नहीं बचा सकता। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जब वो बेहोश हो रहे थे, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, ही वॉज फीलिंग ट्रैंक्विल, बहुत शांति, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू थिंक, अब वो उनकी कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक ही उनका सर पानी के सरफेस से ऊपर आता है अनएक्सपेक्टेडली, जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे, सर अचानक, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ही इज़ अबाउट टू डाई, बट उसी समय उनका सर पानी के सरफेस से ऊपर आता है। अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, तो वो जैसे पानी के सरफेस से ऊपर वो गिर चुके थे, समुद्र में थे, तो वहाँ से वो देखते हैं सर उनका पानी के सरफेस के ऊपर आता है, तो देखते हैं कुछ ही दूरी पे उनको वेव वॉकर दिखाई देती है, उनकी जो बोट थी वो सामने, और क्या पोजीशन थी उसकी, इट वाज नियर कैप्साइजिंग, मतलब ओवरटर्निंग, करीब करीब पलटने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो ऊपरी मास्ट था वो पानी की लहर के हॉरिजॉन्टल हो चुका था, सतह के बराबर हो चुका था। देन अ वेव होल्ड,
हर अपराइट, और फिर एक लहर आती है और वो उसको थ्रो कर देती है, सीधा कर देती है, होल्डर उसको थ्रो करती है अपराइट, स्ट्रेट कर देती है। एंड माई लाइफ लाइन जर्क्ड, और इनकी लाइफ लाइन जो थी, जो कि अटैच्ड थी बोट के साथ, वो जर्क पाती है, मतलब खींचती है, वो मूव्ड अब्रप्टली, अचानक खींच जाती है, टॉट स्ट्रेच होती है। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स आर अटैच्ड बिसाइड द बोट, तो गार्ड रेल जो होते हैं, रेलिंग लगी होती है बोट के साथ, वो उनको इन्होंने पकड़ा, क्योंकि ये इस जर्क्स के साथ बोट के पास चले गए थे, तो उन्होंने गार्ड रेल्स को पकड़ा। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा में तैर के वो आते हैं वेव वॉकर के मेन बॉडी में आ जाते हैं, मतलब वेव वॉकर के अंदर आ जाते हैं। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और उसके बाद आने वाली लहरें, क्योंकि हमेशा वो तूफान में फंसे हुए थे, तूफान तो आ ही रही थी, उनकी बोट के अंदर भी तूफान था, तो इनको इस तरह से यहाँ वहाँ फेंक रही थी, जैसे कपड़े की गुड़िया हो, रैग डॉल हो, वैसे ही ये यहाँ वहाँ शिप में इधर उधर फेंके जा रहे थे पानी के इफेक्ट से, लहर से। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, उनके रिब्स की हड्डियाँ जो थी वो टूट चुकी थी, पसली की हड्डी टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टिथ, उनके मुँह में पूरा ब्लड भर गया था और टूटे हुए दांत भी थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से वो ढूंढते हैं व्हील को, जो बोट की व्हील थी उसको ढूंढते हैं। लाइंड अप द स्टर्न, स्टर्न को सीधा करते हैं फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन एंड वेटेड, वो अगले वेव के लिए उसको रेडी करते हैं, व्हील के साथ स्टर्न को सीधा करते हैं और इंतज़ार किया कि अगली वेव से क्या होने वाला है। वेटेड, हंग ऑन। वाटर, वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, उनको पता चलता है कि नीचे के तले पे पानी है भरी हुई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील को छोड़कर नीचे पता करने जाएं कि क्या कंडीशन है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, सामने का जो हैच होता है, जिस दिस यू कैन सी इट इज़ काइंड ऑफ डोर, इस तरह का डोर होता है वहाँ पे बोट में, तो दैट इज़ कॉल्ड हैच। तो वो हैच थ्रोन ओपन तेज़ी से खुलता है एंड मैरी अपीयर्ड, वो कौन था, उनकी वाइफ मैरी थी। वी आर सिंकिंग, शी अनाउंसेस, शी स्क्रीम्ड, शाउट करती है, चिल्लाती है कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जो थे, फ्लोर थे बोट के, वो टूट चुके थे। वी आर फुल ऑफ वाटर, जो वो बताती है कि फ्लोर टूट चुका है और पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। टेक द व्हील, वो चिल्लाते हैं कि व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और उसको बुला के व्हील हाथ में देते हैं मैरी के, कि उसको करके बैलेंस करके रखे बोट को, और खुद स्क्रैम्बल करते हैं, जल्दी से हैच की तरफ भागते हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो थे वो पानी, क्योंकि उनकी बोट में भर रहा था, तो उसको डूबने से बचाने के लिए बाहर की तरफ पंप कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे शिप से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटी हुई लकड़ियाँ जो थी, बोट के पार्ट्स थे, वो यहाँ वहाँ बहुत ही भयानक एंगल्स में, ताकि किसी को चोट लग जाए, इस तरह के अलग अलग एंगल्स में बोट में यहाँ वहाँ लगे हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, और स्टारबोर्ड साइड जो था, स्टारबोर्ड साइड, यू सी दिस बोट, यहाँ पे आप देखिए, दिस इज स्टारबोर्ड साइड, जो कि पोर्ट से आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है, बोट के अगले हिस्से पे आप जो इधर ट्रैवल कर रही है, तो यू विल सी दिस इज स्टारबोर्ड एंड अनदर साइड लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज पोर्ट, क्योंकि जब शिप पोर्ट पे जाके खड़ी होती है तो इसी साइड से वो स्टैंड करती है, और स्टारबोर्ड इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ द बोट, आप देखते हो राइट हैंड साइड में स्टारबोर्ड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में पोर्ट होता है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल डिवीजन होता है बोट का, और इसका दोनों अलग अलग नाम है, बैक साइड इज स्टर्न एंड फ्रंट साइड इज बो। तो ये पूरे जो स्टारबोर्ड साइड था वो टूट के अंदर की तरफ झुक चुका था, वो स्मैश हो के अंदर की तरफ बल्ज हो गया था, अंदर की तरफ झुक गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन द डीप वाटर, और वो सब चारों तरफ फैले हुए थे पानी में, डूबे हुए दिख रहे थे। क्लोथ्स, क्रॉकरीज जो थे, बर्तन थे, और चार्ट्स, टिन्स जो भी थे उनके यूज़ के सामान थे, वो सब पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, वो हाफ तैर के और आधे क्रॉल करके रेंग के बच्चों के केबिन तक जाते हैं। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, पूछते हैं बच्चों से कि तुम लोग ठीक हो। यस दे आंसर्ड,
फ्रॉम द अप एंड अपर बंक, ऊपर के बंक में जो ऊपर की केबिन में उसमें बना होता है अलमीरा की तरह स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें वो लेटते हैं, तो वहाँ से उन्होंने आंसर किया कि येस बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू। स्यू कहती है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज, एक बहुत ही बड़ी स्वेलिंग थी उसकी आँखों के ऊपर, जो फोरहेड था वहाँ पे बहुत ही बड़ी सी स्वेलिंग थी, उसको दिखाते हुए कहती है कि मेरे सर में चोट लगी है, वहाँ पे दर्द हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, उसको अब ये ऑथर कहते हैं, गॉर्डन कहते हैं कि उनके पास समय नहीं था कि वो उसके बम्प्ड हेड को, सूजी हुए सर को ध्यान दें। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और वो वहाँ से एक हथौड़ी स्क्रूज लेते हैं और कैनवस हैवी फैब्रिक जो भारी फैब्रिक होता है विच इज़ समटाइम्स यूज टू मेक टेंट्स, टेंट बनाने के लिए आप देखते हो कि जो हैवी फैब्रिक यूज़ होता है वो उन्होंने वहाँ से लिया और वापस उसी तरह से हाफ स्विमिंग एंड हाफ क्रॉलिंग वापस डेक तक आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं बोट में। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन, वो इतना बुरी तरह से लहरों से उस चोट लग के खुल गया था वहाँ पे, स्टारबोर्ड का साइड ऊपर का हिस्सा टूट चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, तो हर लहर के साथ बहुत सारा पानी उनकी बोट में आ जा रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, और उनको लगता है कि अगर वो कुछ रिपेयर नहीं करेंगे, स्टारबोर्ड को रिपेयर नहीं करते, तो वो ज़रूर ही डूब जाएंगे क्योंकि बहुत पानी वो अंदर आ रहा था हर लहर के साथ। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. तो किसी तरह से वो मैनेज करते हैं, कैनवस को स्ट्रेच करते हैं और waterproof hatch वहाँ पे जो लगा के कवर्स जो थे, हैच कवर्स, waterproof hatch covers जो थे दरवाजे के कवर के लिए, कुछ waterproof material था उनके पास, उसको लगा के वो उसको टाइट कर देते हैं स्टारबोर्ड के साइड्स पे। टू फिल द गैपिंग, वाइड गैपिंग मीन्स वाइड होल्स जो थे, बड़े छेद थे जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था, वहाँ पे वो उसको थोड़ा फिल करने की कोशिश करते। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नीचे से आ रहा था बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड्स, लेकिन अब ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा लहरों के साथ, स्ट्रीम्स के साथ अंदर नहीं आ रहा था, वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, वापस चला जा रहा था किनारे से। मोर प्रॉब्लम अरोज वेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड, तो ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तब आती है जब जो डेब्रिस थे वहाँ पर फ्रैगमेंट्स थे, टूटे फूटे चीज़ थे, वो उनके वाटर पम्प में चली जाती है और इसके कारण उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, काम करना बंद कर देती है। द वाटर लेवल रोज थ्रिटिंगली, और भयानक तरीके से वाटर का लेवल उनके बोट में बढ़ जाता है। Back on the deck, I found that our two spare hand pumps had been arranged overboard along with the foresay sail, the jib and the dinghies and the main anchor. जो इनकी ये सारी चीज़ें थी पीछे की तरफ उन लोगों ने रख रखा था अपने बोट में, तो वो सारा कुछ नीचे जा चुका था झटके से, जो तूफान का झटका था उसके इफ़ेक्ट से वो सब कुछ पानी में जा चुका था। Here you can say forestay is an adjustable stay from the foremast to the deck. ये एक मोटी रस्सी रहती है जो कि foremast, मास्ट के ऊपर से लेके नीचे डेक तक को टाइट करके रखते हैं। The jib, jib जो उनका additional jib था, और dinghies are small boats. तो और उसके साथ साथ main anchor, ये सब चीज़ें उनकी लहरों के साथ पानी में जा चुकी थी। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तब उनको याद आता है कि एक दूसरा उनके पास इलेक्ट्रिक पंप था जो चैट रूम फ्लोर पे रखा हुआ था, नीचे के केबिन में रखा हुआ था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क्ड, तो उनने उसको आउट पाइप में, एक पाइप में उसको कनेक्ट किया और उन्होंने देखा कि ये काम कर रहा है, मतलब उनका फिर से वाटर पम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, तो जो ठंडी सी रात थी दिसंबर की ठंडी रात, वो पूरी उनकी बीत गई पानी पंप करके बाहर निकालने में, और उसको स्टेयर कर रहे थे, अपने बोट को सीधा करके कोशिश कर रहे थे कि वो स्टेबल रख सकें, और रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पोर्ट पे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपना सिग्नल दे दें, डिस्ट्रेसिंग सिग्नल दें, इसके लिए वो
सारे कोशिश कर रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स. मे डे कॉल्स हियर मीन्स डिस्ट्रेसिंग सिग्नल. जब कोई परेशानी में फंसे होते हैं तो वो सिग्नल जो देते हैं दैट इज़ नोन एज मे डे कॉल. तो उनके मे डे कॉल का, परेशानी में फंसे होने का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था क्योंकि वो कोई रिसीव नहीं कर पा रहा था. वो बीचों बीच थे ओशन के. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि ये एक दुनिया के कोने में थे तो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनको किसी भी रेडियो मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा था. स्यूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली. सू का हेड जो था बहुत ही भयानक तरीके से स्वेलो कर गया था, मतलब सूज आया था. एंड हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज. उसकी आँखें बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लैक हो गई थी. एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. अब उसने एक बहुत ही बड़ा गहरा कट दिखाया था जो उसके हाथ पे लगा हुआ था उस चोट के कारण. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडन मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. तो जब पूछते हैं ऑथर कि उसने अपनी चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही ज़्यादा भयानक उसको चोट आई थी, तो उसने कहा, शिव ने जो कि 7 ईयर्स ओल्ड थी, कहा कि मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप खुद ही कोशिश कर रहे थे हम सबको बचाने की. तो चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट पार्ट विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर.